molecules required for animal metabolism. Due to hydrogen bonding with polar molecules, even covalent compounds such as alcohol,
फिर एडिटिव है और क्लोरीन है, ये फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन एंड क्लोरीन, क्लोरीन एक कंपाउंड ही मान लेते हैं, कोई वैल्यू हमको बता दे फ्लोरीन की कितनी होती है 4.0, ये भी कॉपी कर लीजिए 4.0, ऑक्सीजन का आपको क्या बताइए सर 2.3.5 ऑक्सीजन इज और हाइड्रोजन की हां हाइड्रोजन इज 2.1 ऑक्सीजन इज 3.5 ऑन द पॉलिंग स्केल ऑफ कोर्स इलेक्ट्रोलाइटिस बेसल ऑन व्हिच स्केल पॉलिंग स्केल नाइट्रोजन कितना है 3.0 3.0 क्लोरीन कोई बताएगा 3.0 क्लोरीन इज आल्सो 3.0 देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन बन गया नाइट्रोजन एंड क्लोरीन क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन बन गया नाइट्रोजन एंड क्लोरीन बोथ हैव द सेम मैग्नीट्यूड नॉट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोथ हैव द सेम मैग्नीट्यूड ऑन पॉलिंग स्केल अब क्वेश्चन आपको बताना है कि व्हिच वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जैसे आपने कहा तो बोथ हैव द सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यस नाइट्रोजन का आंसर है आपका ठीक है क्यों क्लोरीन छोटा मतलब क्लोरीन का साइज थोड़ा बड़ा होगा ना एज कंपेयर टू नाइट्रोजन हां बहुत अच्छा एक-एक करके रिकॉर्डिंग कर लीजिए ना एक-एक करके बोलिए फिर से करते हुए मतलब आपको बताना है कि नाइट्रोजन क्लोरीन से क्यों बड़ा है हां क्यों बड़ा है ये इफेक्ट नंबर है एक-एक करके जरा बोलिए पास करिए आवाज के लिए कौन सा है कोई बताएगा सही था कि गलत था आंसर उनका जो है का गलत है क्या गलत है उतना फर्क पीरियड में नहीं पड़ता है जितना ग्रुप में पड़ता है ठीक है तो अभी जो क्वेश्चन था हम लोग का क्वेश्चन ये था और ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है 10 के बच्चे से पूछे तो तुरंत बोलेगा क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्योंकि क्लोरीन की ब्रांडिंग हो चुकी होती है 10 में इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब क्लोरीन होता है नाइट्रोजन ये बेकार है लगा कि भी उसका यूज उतना नहीं होता जबकि नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो हमारा क्वेश्चन ये है कि नाइट्रोजन एंड क्लोरीन बोथ हैव व्हाट द सेम मैग्नीट्यूड ऑन द पॉलिंग स्केल बट व्हिच वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड व्हाई आंसर क्या आया करती की बोलिए आप नाइट्रोजन खुशी आप रीजन बताइए बिकॉज़ ये सेकंड पीरियड बहुत अच्छा बिकॉज़ नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन द सेकंड पीरियड सो इट विल हैव टू शेल्स क्लोरीन थर्ड पीरियड में है तो तीन शेल्स आएंगे इसकी साइज बड़ी है जो है रीजन दे रहा हूं इसके पास क्या रीजन है जो है बोलिए मास्टर करिए सेकंड पीरियड आवाज से क्लियर आ रहा है सेकंड पीरियड ये सेकंड पीरियड में है तो उससे क्या फर्क पड़ेगा साइज सेल नंबर ऑफ सेल कम होंगे कितनी होंगी दो हो जाएगी ये थर्ड पीरियड में है तो तीन सेल रहेगी इसकी इसकी नंबर ऑफ सेल ज्यादा हो जाएगी तो नाइट्रोजन की साइज क्लोरीन से छोटी है साइज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो जिसकी साइज कम है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी वाटर सबसे पहले सिंपल
कॉमन, हाँ कॉमन H2O हो गया, ये कर सकते हैं क्या ROH, एल्कोहल में हाइड्रो बॉन्डिंग होगी कि नहीं होगी, फिर एसिड्स में RCOOH हो जाएगी, ठीक है, ऐसे बहुत सारे कंपाउंड है। फिर इसके आगे नाइट्रोजन से कुछ याद बताइए, नाइट्रोजन के साथ अमोनिया हो गया, बहुत अच्छा, अमाइन्स हो गया, RNH2 हो गया। अब तो हाइड्रो बॉन्डिंग समझ आ गया ना, कहां हाइड्रो बॉन्डिंग होती है, और हाइड्रो बॉन्डिंग अभी जो हम लोगों ने किया कि हाइड्रो बॉन्डिंग से क्या फर्क पड़ता है, डेंसिटी बढ़ जाती है, क्यों बढ़ जाती है, अभी जो हम लोगों ने प्राची एक्सप्लेन किया था, हाँ। यहाँ आके एक्सप्लेन कर दीजिए, क्या चीज, यहाँ ये तो थोड़ा सा इधर फेस करते रहिए, ये जो है इसी को ऐसे वर्टिकल डॉटेड करेंगे, ये क्या चीज है प्राची ने क्या बनाया, ये हाइड्रो बॉन्डिंग है, और हाइड्रो बॉन्डिंग का मेन रीजन क्या, अगर एक लाइन में कहें हाइड्रो बॉन्डिंग किसको कहते हैं, तो हम लोग कैसे थे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैन बी डिफाइंड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर हम ये हटा दें तो ये खत्म हो जाएगा, इन्हीं चार्जेस की वजह से तो ये आ रहा है, तो दैट्स द इट इज, और ये भी करते हैं कि व्हाई हाइड्रो बॉन्डिंग इज अ वीक फोर्स, व्हाई इज अ वीक बॉन्ड, क्योंकि पार्शियल चार्जेस की वजह से होता है, कंप्लीट चार्जेस नहीं, जैसे एनी कंपाउंड होता है, और ये हटा दें अगर इसकी जगह अगर क्लोरीन लगा दें तो इसका क्या फर्क है, तब इसका पार्शियल ही रहेगा चार्ज, और कोई दिमाग लगाएंगे सर, और वीक हो जाएगा, वीक हो जाएगा, कम हो जाएगा, ये चार्ज बहुत कम हो जाएगा, खुशी क्यों कम हो जाएगा, नहीं उल्टा
फिर उल्टा हो गया सर, क्योंकि NH3 में जो एक्सोनेगेटिविटी है किसकी, हाइड्रोजन की नहीं, हाइड्रोजन को नहीं देखना है और नॉन एनर्ट हो गई है नाइट्रोजन। पहले पहले क्वेश्चन हमारा रिकॉल करिए, क्वेश्चन क्या था हमारा, वो क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन से ज्यादा है।